हेलो दोस्तों, क्विक रेसिपीज के और एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए और एक नया रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाने वाले हैं बर्गर, घर में बनाएंगे, बहुत जबरदस्त बनाएंगे, मजेदार बनाएंगे, आप लोग बस देखते रहिए। इसके लिए हम लोग को क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा हम लोग देखते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमने लिया है दो ब्रेड, बन लिया है हमने ऐसा गोल, ठीक है। उसके बाद एक अंडा, टमाटर को ऐसा स्लाइस पीस करके हमने काट लिया है। उसके बाद हमने खीरा लिया है, इसको भी ऐसे स्लाइस पीस करके हमने काट लिया है। और हमने ऑनियन लिया है, ठीक है। ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लिया है, बस इतने से ही हो जाएगा और थोड़ा हल्का सा नमक लगेगा। दोस्तों, हमने अंडे को ऐसे खोल लिया है। अब चलिए पैन के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, पैन के ऊपर चलने से पहले एक काम करेंगे, आप लोग देखिए, हमने बन को ऐसे काट लेंगे, ठीक है, अंदर से। पूरा नहीं काटना है, हल्का सा काटना है। तो देखिए कुछ ऐसा लगेगा। इसके अंदर हम ये सब्जी डालेंगे, तो वो कैसे करके, डायरेक्ट तो नहीं डाल सकते ऐसे, तो कुछ खास नहीं लगेगा, तो आप लोग देखिए बस। तो चलिए अब पैन के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, हमने पैन में तेल दे दिया है, इसको थोड़ा हल्का सा गर्म होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ब्रेड था वो हल्का सा इसमें फ्राई कर लेंगे पहले, ठीक है। आप लोग भी ऐसे फ्राई कर लीजिएगा, हमारे दोनों ब्रेड को ऐसे फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छा लगे खाने में। तो ये पलट देंगे हम लोग, ये देखिए पलट देंगे, ये इस तरफ भी होने देंगे, उस तरफ भी, दोनों साइड फ्राई कर देंगे। देखिए आप लोग, हमने फिर से हल्का सा तेल दे दिया, क्यों दिया है आप लोग देखिए। अब जो हमने ये सब्जी लिया था, तो इसमें हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, ज्यादा फ्राई नहीं करना है आप लोगों को, हल्का सा फ्राई करना है। खीरा और एक साथ प्याज को भी दे देंगे, और इसमें हल्का सा हम लोग क्या करेंगे, नमक को ऐड करेंगे, हल्का सा नमक दे दिया हमने स्वाद अनुसार, इसको हल्का फ्राई करने के बाद इसको उतार लेंगे, ठीक है। ये हल्का फ्राई होने के बाद देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा, हमने इसको फ्राई कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, हमने जो अंडा खोल लिया था इसमें पहले ऐसे करके डाल देंगे, ठीक है, फिर एक बार फ्राई करेंगे, और उसके बाद एक बार फ्राई कर देंगे हम लोग। बहुत मजेदार रेसिपी है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, घर में खाने में बहुत अच्छा लगता है ये। दोस्तों, हमने इसमें तेल ही दी है हल्का सा। अब क्या करेंगे, हमने जो ये ब्रेड लिया था वो भी ऐसे पलट देंगे इसमें, ताकि अंडा इसके अंदर तक घुस जाए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हमारा जो बाकी का जो ये था अंडा, वो अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे ताकि दोनों तरफ लग जाए ठीक से, ठीक है। आप लोग उधर भी कर सकते हो, हम लोग इधर करते हैं ताकि अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसको अभी क्या करेंगे, हम लोग होने के बाद हल्का सा इसको पलट देंगे, ये देखिए आप लोग अंडा आ गया, दोनों तरफ होने देंगे। हमने इसको उतार लिया है, अब क्या करेंगे, हमने जो फ्राई किया था हमारा सब्जी, तो इसमें हल्का हल्का डाल लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ, और इसका उसके बाद फाइनल लुक देखते हैं, आप लोग देखिए। तो दोस्तों, हियर इज अ फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, आप लोग देखिए, बहुत जबरदस्त है, आप लोग जरूर घर में ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए इसकी टेस्टिंग करते हैं पहले। ये देखिए आप लोग, इसमें हमने कैसे लिया है, ये तो पूरा हो चुका है, आप लोग देखिए, और इसको पलट देते हैं, ये आप लोग देखिए कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये खाने में बहुत जबरदस्त लगेगा, ये आप चाय के साथ लुत्फ उठा सकते हैं इसका भी। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, क्या आप ये घर में ट्राई करने वाले हो।
आपका बहुमूल्य टाइम के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।